हमारे पीछे उल्लू है ना, पूरी रात नहीं सोते। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। कैसे हैं आज सब? आज है संडे 2 मई और कल नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी टीवी पे, हमने वीडियो डाली जब उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ गई कि दिल्ली में लॉकडाउन फिर से 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया। तो हमारी पहले पते की बात बिल्कुल पते पे पहुंच गई है। तो आज हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, पगड़ी पुगड़ी पा ली है, बिकॉज हम जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे पास। हमें दवाइयां लेने जाना होता है, मम्मी की दवाइयां ख़त्म होने वाली है तो रूटीन दवाइयां चलती है, वो लेने जाना है। मैं और भाई जा रहे हैं और सोच रहे हैं फिर बंगला साहिब मत्था भी टेक आते हैं, घर के लिए अमृत भी ले आते हैं। हेलो, मैं तुहाडी दवाइयां तेरा कपूर क्या बन रहा है? राजमा का है। राजमा है ना, उसको खोल दो। ओके, और नहा भी लो। नहा के क्या रहा? मुझे पता है नहा के गए थे, पर बाहर से आते तो दोबारा नहा। ओके मैम, कोविड तो अब करते हैं आज की बात बताएगी। अभी हम गए थे गुरुद्वारा बंगला साहिब, तो गुरुद्वारा बंगला साहिब की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहिब, बंगला का मतलब क्या होता है? बंगला का मतलब होता है महल। तो ये जगह गुरुद्वारे से पहले एक महल थी, राजा जय सिंह, हिंदू राजा जय सिंह जो जयपुर के राजा थे उनका यहाँ पे महल था। और 1664 में दिल्ली में चेचक की बहुत महामारी फैली हुई थी, जैसे अभी कोविड की महामारी है, स्मॉल पॉक्स खोल रहा, लोग इस बीमारी से इतना परेशान थे कि लोगों की जाने जा रही थी। तो सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण साहिब जी वो आके इस जगह पे ठहरे थे, दिल्ली के लोगों को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए अमृत छकाया था, अमृत पिलाया था। लोग अमृत पीते थे, उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। भी माना जाता है कि यहाँ का अमृत इतना पवित्र है, लोगों के रोग काटते हैं, लोगों को बीमारियों से मुक्त करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक दवाखाना भी है, बाला प्रीतम। यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट्स में, मतलब चीपेस्ट रेट्स पे, दिल्ली में चीपेस्ट रेट्स में आपको यहाँ मेडिसिन मिलती है। प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, मेडिसिन लेके जाइए। तो गुरुद्वारों की ऐसी बहुत सी सेवाएं और भी चल रही हैं। जैसे हमें कल ही पता चला था, गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास है गुरुद्वारा रकाबगंज, वहाँ पे उन्होंने 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। तो अगर आप दिल्ली में हैं, आपका कोई नोन है, उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे, तो एक बार आप गुरुद्वारा कमेटी को भी कॉन्टैक्ट करो, अगर उनके पास स्पेस होगी, बेड अवेलेबल होगा, तो वो आपको गुरुद्वारे प्रेमाइजेस में ही फैसिलिटी को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी बात पते की, शेयर एंड केयर। और दिल्ली में कई जगह ऑक्सीजन ड्राइव थ्रू कैंप भी लगे हुए हैं। ड्राइव थ्रू का मतलब क्या? आप गाड़ी पे पेशेंट के साथ आइए और वहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिसको इस लोकेशन के बारे में पता है, अपनी सोशल मीडिया पे अपने कॉन्टैक्ट से जरूर शेयर करो, आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। मौसम बहुत अच्छा है आज, पूरे वहाँ सूरज है पर बादलों ने सूरज को घेर लिया। मान लेते मानना ही पड़ेगा। बाहर ऐसा मौसम हुआ है ना, उसने एलईडी बल्ब लगाया इसलिए चमक रहा है। नहीं वो, और ये 2-3 दिन से कुछ अजीब से ही मौसम भी बन रहा। हाँ, लगता है बारिश आएगी इसी टाइम पे, मौसम बन जाता पर आती नहीं है। आज थोड़ा लंबा चल गया, नहीं तो ये 5-10 मिनट के लिए होता है मौसम और फिर चले जाते। देखो कबूतर, दो कबूतर।
पहले जमाने में पता क्या होता था, फोन तो होते नहीं थे, अगर किसी को मैसेज देना होता था ना, कबूतर के पैर पे चिट्ठी बांध के उसको भेज देते थे। हाँ, आज के जमाने में क्या करें बताओ। ओह माय गॉड, कबूतर की मुस्कुराई है व्लॉग में। मैं कहीं इस बर्ड की चीची करी ना, ये बर्ड को पता नहीं कहाँ से आ रही है ना, पता नहीं कहाँ से चीची करी है। अच्छा ना, अर्श 9 का टेबल लिख रहा है, बच्चों को 9 का टेबल याद कराना बड़ा मुश्किल होता है, बट एक तरीका था जो मुझे मम्मी ने सिखाया था, तो वही तरीका मैंने अर्श को सिखाया, इसको आके ये आपको बताएगा क्या तरीका है। मैं आपको 9 का टेबल इजी से मैं आपको बताता हूँ। पहले हम 0 से लिख के 9 तक हम 1-2 लिख लेते हैं। अब मैंने पूरी क्वांटिटी लिख दी है, अब हम रिवर्स में करेंगे। रिवर्स में 0 से 9 तक। हाँ चलो करके लिखो। कलरिंग करी है सर, इतनी अच्छी कलरिंग ज़्यादा सीख ली आपने। तो ये चटाई जो है ये है 6 साल पुरानी चटाई है ना मम्मी, 6 साल पुरानी चटाई है, असली लैके आए सी मम्मी पापा, ते हुण गुरबाज खेल रहा ओदे नाल। गुरबाज बड़े ध्यान से कैमरे में अपनी वीडियो देखते हुए, और ये अर्शदीप आ गया बीच में, कर दिया मिला दिया ना, और एक चार पांच करता बापू जी कीता की तुसी चुचू कर दिया उसने। चलो उसके कपड़े बदल के आके बंगाल में दीदी जीत गई है, इसकी खुशी में आपने बड़ी मम्मी को चुचू कर दिया, चुचू कर दिया, कपड़े चेंज कराइए मनप्रीत, और यहाँ पे कर रही है गार्डनिंग का काम। मैंने कहा थोड़ा से जेड दोबारा उगा लेते हैं ऊपर, क्या कहते हैं जेड। अच्छा ये कटिंग से उग जाते हैं ना। हाँ कटिंग से उग जाते हैं, मैंने इसको बढ़वा लिया अपना ऊपर, वो काफ़ी सूख गए हैं, उनको देख के अजीब सा लगता है, मैंने कहा चलो जो जगह खा ली है उनको भरा गया। होप यू लाइक दिस वीडियो। मास्क पहन के बालकनी में भी निकलिए, बहुत ज़रूरी है, बाहर निकलना है तो मास्क जरूर पहनिए। स्टे होम स्टे सेफ, यू ही हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक करना ज़रूर बनता है। बाय बाय, सी यू सून।